शिवरात्रि का त्यौहार मनाया जा रहा है कि बड़ी धूमधाम नाल मनाया जा रहा है, क्योंकि ये साल में दो शिवरात्रि आती है। जो ये माघ महीने की शिवरात्रि है, ये बड़ी शिवरात्रि है। इस दिन लोग बड़ी श्रद्धा पूर्वक भोलेनाथ जी की पूजा करते हैं, अपनी मनोकामनाएं भोलेनाथ जी के आगे रखते हैं, और ये शिवरात्रि के दिन भोलेनाथ और पार्वती मैया की शादी की जाती है, जो कि आम शादियों की तरह बड़े धूम धड़ाके से शादी की जाएगी। ये शिव मंदिर मैना चौक से होते हुए बरात ये हाथी वाले मंदिर में बरात जाएगी, और बड़े धूमधाम से, जैसे कि आम शादियों वैसे ही शिव पार्वती मैया की शादी हाथी वाले मंदिर में वैसे की जाएगी। वैसे ही जोर से बैंड बाजे गाना शाना पूरा जोर शोर से होगा, और वैसे ही खाने का प्रबंध कर गया, भंडारे का प्रबंध किया गया है। और इस दिन मेरे भोलेनाथ की बड़ी श्रद्धा पूर्वक पूजा की जाती है। दूध दही शहद बेलपत्र दतूरे से भोलेनाथ की पूजा की जाती है, और इस दिन अपनी मनोकामना भोलेनाथ जी के आगे रखते हैं। और ये प्राचीन शिव रात्रि है, जो कि बहुत सालों से बड़ी धूम धड़ाके से मनाई जा रही है। इस दिन लोगों में जोश देखो, इतना लोगों में जोश आया हुआ है, और पूरी श्रद्धा पूर्वक एन भोलेनाथ जी की पूजा कर रहे हैं, और भोलेनाथ जी को खुश करने के लिए उनको हर प्रकार की चीज़ अर्पित की जा रही है, और अपनी मनोकामना भोलेनाथ जी के आगे रखी जा रही है। रश की बाकी हाँ जी, रश देखा जाए तो आप देख ही रहो, शिव मंदिर में बड़ा जोर शोर है, बड़ा रश है, और दूर दूर से लोग आ रहे हैं भोलेनाथ की पूजा करने के लिए। पूरे बच्चे आ रहे हैं, बड़े आ रहे हैं, बूढ़े आ रहे हैं, सारे सबने आज शिवरात्रि का व्रत रखा हुआ है, और भोलेनाथ जी को खुश करने के लिए बड़े जोर शोर से पूजा की जा रही है। मेरा नाम बलवान शर्मा, प्राचीन शिव मंदिर मैना चौक बठिंडा, श्री सनातन धर्म मंदिर है ये। बहुत 1200 साल पुराना मंदिर है जी। यहाँ विशेषता ये है, ये महाशिवरात्रि है। यहाँ मतलब चार पैरे की पूजा लोग बड़ी धूमधाम से करते हैं। महाशिवरात्रि का महत्व है, यहाँ भगवान माँ पार्वती और शिव पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए महाशिवरात्रि है। ये चतुर्दशी को आती है, और जो शिवरात्रि है, भगवान शंकर ने नीलकंठ कहलाए, मतलब हलाहल पान किया था और दुनिया की रक्षा की थी, इसलिए वो शिवरात्रि है। ये महाशिवरात्रि है, विशेष यह दूध दही शहद गंगा जल से ही अभिषेक किया जाता है। जो भी इच्छा लेकर आते हैं भगत, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। बड़ी श्रद्धा भाव से लोग आ रहे हैं। सवेरे 4 बजे से यहाँ कतारें लगी हुई है, बड़ी धूमधाम से सजाया हुआ है मंदिर, और बड़ी लोग आए हुए हैं। शिवरात्रि का महत्व क्या है? शिवरात्रि का महत्व है, जिसके जो कार्य है, एक साल की पूजा और एक दिन ये महाशिवरात्रि से पूजा करने से फल मिलता है जी, इसलिए इसका महाशिवरात्रि का महत्व ही है। शिव और पार्वती की शादी हुई थी, इसलिए महाशिवरात्रि, जिसकी कोई शादी नहीं होती, कोई कारोबार में रुकावट है, कोई मतलब किसी रोग से ग्रस्त है, तो वो आकर के यहाँ भगवान के ओम शिवाय का जाप करे, या कोई भी मंत्र भगवान का विशेष करके पूजा करे, तो उसके निष्काम भाव से फल प्राप्त हो जाता है। जुड़े रहो साडे पेज पंज पाणी टीवी दे नाल। जेकर तुसी साडा पेज हरी तक लाइक नहीं किया है, तो इनू लाइक जरूर करो, ताकि साडे द्वारा पाईआं गईआं वीडियो तुहाडे तक सब तो पहला पहुँचण।